मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड लंबा है दिन, आज काफ़ी जगह मतलब आज चटगल जाना है अपने गांव में, और यहां से 30 मिनट्स की दूरी में है और वहां पे पूजा करनी है। दो मंदिर जाना है, एक में अनन्या होगी साथ, एक में नहीं होगी क्योंकि उसमें एक में अभी लेडीज अलाउड नहीं है। सेम का मंदिर वहाँ जाएगी अनन्या बट बाहर ही चीज़ें वेट। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो नाउ वी आर रेडी एंड वी आर रेडी टू गो। नहा धो लिया है बढ़िया करके फ्रेश हुए और अब जाने का टाइम आ गया, अब निकल रहे हैं। सो ये रेडी हो गए हैं सब, पिताजी हमारे, माताजी और ये हम, हमारी वाली नहीं आ रही है बस। अनन्या आ जाओ। सो एक कुमाऊनी बहू आ रही है। हाउ एक्साइटेड टू विजिट योर पुश्तैनी गांव। तुम्हारा अभी अभी बनाया वैसे? हाँ, मैं कभी गई नहीं गांव में, आई एम एक्साइटेड टू सी। तो अनन्या फुल अभी रंगवाली का पिछवाड़ा भी पहनेगी कुमाऊनी वाला। सो ये जा रही है हमारी गांव की सड़क, थोड़ी टूटी फूटी है बट बेटर देन लास्ट टाइम। धीरे धीरे जा रहे हैं ये पहुंच गए हम अपने गांव। इस तरीके से रोड आ गई है यहाँ पे, पहले कुछ नहीं होता तो पैदल आना पड़ता था। तो दिस इज द स्मॉल डेवलपमेंट वाई इस एरिया में। ये हमारे गांव निवासी लोग हैं, गांव में काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहे हैं। ये तो पहले रास्ता नहीं था। कैसा फील आ रहा है नंदा, गांव की देसी फील? क्या देसी बहू कौन बहू है? और ये हम आ गए हैं अपने गाँव पुश्तैनी घर में। ये है हमारा घर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पुराने दिन याद आ गए भाई। 10 साल पहले आया था ऐसे, मैं ऐसे नहीं आया और अगला, बट ब्यूटीफुल, दिस इज अ ट्रेडिशनल कुमाऊनी होम फॉर यू। मैं लकी हूँ, जाने से पहले एक ट्रिप मिल गई इसकी। शर्मा जी वेलकम टू माय होम। कुमाऊनी होम, ये देखो इसकी खिड़कियाँ देखिए आप कितनी कलाकारी है। अभी आपको अंदर का भी टूर कराते हैं। यहाँ पे अभी 40 to 45 फैमिली रह गई हैं, पहले बहुत हुआ करती थी। ये बेसिकली चावल पीसने के काम आता है। ये यहाँ पर कुमाऊनी घरों में आपको ऐसे ही मिलेगा। वेदर एकदम बढ़िया, धूप खिली हुई है। गांव वाले बता रहे हैं काफी इस बार बारिश वारिश नहीं है, सूखा ही रहे। बाकी ये है हमारी सबसे बड़ी भाभी जी, गंगा भाभी, हेलो कर दो। ले शंख बज गई, अनन्या की एंट्री में शंख बज रही है भैया। वेलकम टू द होम। ये है अपना सुंदर सा प्यारा सा घर। भाभी प्रणाम। कब आया आलदानी से? कल ही आया ना, परसों आए, शुक्रवार को आए। चलो बैठो। और ये हमारे पंडित जी, पंडित जी को प्रणाम। और मैं आपको बाकी का भी टूर करा देता हूँ घर का। एक कमरा है ये, एक ये है। अरे मोहनदा, ये हमारे दादा हुए, सबसे बड़े दादा। हमें कहाँ भूल गए थे क्या? हम आपको ढूंढते ढूंढते घर तक आ गए। अरे मेरे सांस को देना था, चढ़ाई में चढ़ उम्र हो गई अब। लो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, किचन की तरफ, सीढ़ी चढ़ के अपना ये कितने पुराने घर हुए। यहाँ पे दालें सब्जी सुखाने के लिए बिछा रखा है, और वो देखिए खिड़की, नीचे गोट भी होता, गाय पाली थी पहले, अब नहीं पाली, अब बुढ़ापा आ गया सबका। बाकी ये एक स्टोर रूम एंड लेट मी शो यू पहाड़ी कुमाऊनी किचन। और ये रही हमारी किचन, ये है देखने वाली चीज, ये देखिए आप पहाड़ी एप्पल, कितने बढ़िया एप्पल दिए हैं। भाभी आपने दिए होंगे या बहू ने दिए तुम्हारी? नहीं तो बहू यहाँ कहाँ है, वो अलवानी है। नीचे निकाल दो ना, नीचे भी तो एप्पल डाल, नीचे भी दिखाता हूँ। अब तो गैस में आ गए, पहले चूल्हा हुआ करता था। नहीं अब चूल्हा नहीं जलाती हूँ। बहुत बढ़िया, गैस जलाती हूँ। बहुत बढ़िया, भाभी आओ बैठते नीचे। ओरिजिन इज ओरिजिन, अच्छा लग जाता है भाई ये सब चीजें देख के। कमरा कौन सा हुआ तुम्हारा? यही हमारे मोहनदा का कमरा है। ये
गेरू के में एप्पल बढ़िया, वो जो थे ऊपर वो गेरू के हुए और चावल पीस के, व्हाइट पार्ट एंड गेरू इज ऑरेंज पार्ट। ये तो पेंट वाले हैं, आपने देखे होंगे ये सब कुआ एप्पल है, भाभी ने दिए हुए हैं हमारे। वेरी गुड, सम्मेलन चल रहा है सासू माँ और बहू का। ये हुए हमारे घर के मंदिर, मजा आ गया। तो ये इसमें आरती की बर्शी भी है, बताया जा रहा है कहाँ पे क्या रखा है ये पंडित जी को, ताकि पूजा में हम माँ तो आने रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन केटी हो रही है। तो शर्मा जी पहन रब रंगोली का भी थोड़ा भी, आप ऊपर ही पहनोगे? हाँ ऊपर ही पहनेंगे, पहन के जाएगी तो लटपटाट होगा ना। मैं शॉल वगैरह डाल देती हूँ। हाँ शॉल की बड़ी बहू, छोटी बहू को बता दो क्या क्या करना, खाना बनाएगी आके? हाँ आज खाना इसी ने, आज इसे बनाओ। बहू कहाँ है, ये देरानी, देरानी हो गई, सॉरी देरानी को बोल दो आज बन जाओ, खाना इसी ने बनाना है। खूंखार खूंखार बड़ी देरानी बन जाओ, आते हैं फिर हलवा बना खिलाते हैं। और कुछ देरानी साहब अपने गाँव में बनवाओ, बनवाओ खाना साथ। और हम करेंगे मजे और भी खूब व्लॉगिंग। ये हमारे को मोहन दा लीड करेंगे रास्ता गांव मंदिर की तरफ सीम देवता के, एंड फिर जाएंगे हम गुसाईयों के मंदिर। और अब बढ़ते हैं आगे, जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। इस मंदिर में लास्ट आएंगे हम लोग, भगवती माता का मंदिर जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया हुआ है यहाँ लास्ट, तो वो है अपने खेत वेत उधर थोड़े से सेपरेट आउट है, यहीं से आ रखे हम लोग। और मोहन दा क्या कहानी सुना रहे हो, आओ। हाँ चला साथ चल गया, उम्र हो गई भाई, धूप है तगड़ी, कड़क धूप कड़क। तो कुमाऊनी भरवाणी इज इन कुमाऊनी ट्रेडिशनल ड्रेस विद रंगवाली का पिछोड़ा एंड शी इज डूइंग ट्रैकिंग। एंड अभी तो चलना है, हम जो गाइड लेके आए थे अपने साथ वो गाइड के हो गए, सांस टाइट हो गई है और वो पता नहीं कहाँ पीछे रुक गए। गाइड साहब आओ, मोहन दा आओ आओ। तो जैसा टेरेन है उसको देख के लग रहा है हम बस इधर कहीं पहुँचने वाले हैं, फील आ रहा है। बाकी अभी किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, इधर कोई लग रहा है कि टॉप आ गया है, तो थोड़ा हम गलत आ गए आई थिंक, नीचे कहीं ना मंदिर, हम दोनों ऊपर आ गए। हम ऊपर आ ही गए तो ऊपर देख भी लेते हैं क्या सीन है, रास्ता तो है, नीचे जाना होगा इसी रास्ते से। और भाई गर्मी लग रही है, बेहतरीन गर्मी की। और ये रहा अपना सेम देवता का मंदिर, हम पहुंच गए मंदिर अपने सेम देवता के, बहुत ही प्यारा बन गया है। तो दाजू प्रणाम, दाजू ढूंढते ढूंढते आए हमें, दाजू को लगा हम भटक गए, हम थोड़ा ऊपर देखने चले गए थे वहाँ पर, हमारे ईस्ट, हमारे ईस्ट हुए ये। और यहाँ अनन्या नहीं आ सकती हैं, अनन्या मैडम आप वहाँ बैठ जाओ आराम से, यह मंदिर अपना सेम देवता का, वाह पूरा पेड़ों से घिरा हुआ बेहतरीन। तो कर लिया आरती और समापन हो गया यहाँ की पूजा का, अनन्या बाहर से ही कर रही है। सेम देवता तो ये कुमाऊं के हमारे वो देवता है, आराध्य देव है सभी जगह। और यहाँ पे इनकी स्थापना कैसे हुई है, पहली सी थी इनकी, ये शिव जी का रूप है, ये शिव जी के रूप में हम मानते हैं, पहले वहाँ थे नीचे। अच्छा, आज से 100-150 साल पहले नीचे एक जगह है। अच्छा, जब हमारे बुजुर्ग लोग लाए इसे, किसी को सपना हुआ कि मैं यही यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये जो लिंग है प्राकृतिक रूप से है वो अच्छा उसी के अराउंड मंदिर बनाया गया उसी को। तो भाई आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, हो गया हमारा सेम देवता के बढ़िया पूजा एंड दर्शन, अब अनन्या भी जा सकेंगे। कैसा लगा अनन्या यहाँ? तो आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं गुसाई देवता के मंदिर में। सो आगे बढ़ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं पहाड़ का, अपने गांव का, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब भाई यू हैव टू रिकॉर्ड फ्रॉम वन कैमरा देन अनदर कैमरा, थोड़े एफर्ट्स लग जाते हैं यार आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपना प्यार दिखा सकते हैं, ओनली दिखाइए। मैं तो कहना सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको मज़ा आए,
जिस दिन मजा आने लगे तब से ज्वाइन करिए फैमिली को। ये हुआ नौला अपना, सेम मंदिर का नौला इज बेसिकली, फ्रेश वाटर आता रहता है नीचे से और यहाँ छोटा सा तालाब टाइप बन जाता है नौले में। ये हुआ नौला, नीचे से आता रहेगा पानी और बढ़िया। अब ये देखो भाई कितने बड़े बड़े पाइन कोन है, कितने बड़े बड़े पाइन कोन है। आ गए मोहनदा, आ गए यार। रूट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पेड़ों से कवर्ड है, छाया, धूप कम लग रही है, हवा इतनी प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें तो। और उसके बाद घर जाएंगे, केल के दाल भात खाएंगे जो बना हुआ खाएंगे और ड्रोन शॉट्स लेंगे। तो मंदिर आ गया है, यहाँ रास्ता बड़ा प्यारा था ना। सो हम मंदिर में पहुँच चुके हैं अपने, आई थिंक सेम देवता से ये होगा अराउंड 15 मिनट का वॉक, 15 मिनट में पहुँच गए हम लोग यहाँ से रुक रुक आके, क्योंकि मोहनदा प्रसाद भूल रहे थे तो मोहनदा को वापस भेजा गया। ले आए प्रसाद, प्रसाद ले आए? हाँ ले आए। बैठ जाओ, बैठो मोहनदा, अंदर दे दो मोहनदा। वैसे एंट्री ये है बट वहाँ से भी कुछ रास्ता होगा, हम जाते हो कि हाँ यहाँ से जाएंगे ना। हाँ ये है मंदिर हमारा, गुसैन जो कहने का है वो पहाड़ी टर्म मतलब गुसैनी देवी को। तो इसी के साथ हमारी गुसैन जी माता जो हैं उनकी भी पूजा पूरी हुई, संपन्न हुई, बहुत बढ़िया रही। एंड अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ। क्यों मोहनदा घर ले जाओगे? अब क्या खिला रहे हो आज मुझे भाई को? तुम नहीं बना रहे हो मुझे कुछ? खिलाओ मुझे। वापसी कर रहे हैं अपने, एक देवी और हैं बीच में पड़ेंगी, उनको हाथ जोड़ते हुए घर को जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य, ब्यूटीफुल टेरेस फार्मिंग की लाजवाब पेशकश आपके सामने। हमारी मदर जो अपनी भक्ति की शक्ति से पहुंच गई है मंदिर, ये रास्ता नहीं है उनके आने का, इनके दोनों घुटने रिप्लेस होने हैं अगले महीने। तो दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा पूजा हो रहा है और आई थिंक उसके बाद हम फ्री हैं। क्यों बनने में शादी अभी बुढ़ा तुमने पैसे लड़के हो गए ना, तुमने जब जवानी थी तो मेरे को लड़की का रिश्ता है तुमने मना कर दिया, पछता रहे हो। आप इधर देख के बताओ, वैसे कौन देगा लड़की? बाल दाढ़ी बनाओ जरा, बाल काले रखो, दाड़ी कटाओ। विनोद भी कर रहा है, वो भी कर रहा है दादी। क्या दादी ना उनके विश्वास उनके पुरोहित ठहरे हो? ऐसा है भाई वो यहाँ भी रहते हैं ये बांस में के जोशी का लगाया है। अच्छा वो वहाँ से आके जो ऊपर भी जोशी रहते हैं वो भी वो कर रहे हैं, एक तो बार ठाकुर की भी चलेंगे डॉक्टर। मैंने कहा वहाँ से कर रहा मेरी यहाँ कर्नाटक है, कर्नाटक से कर वहाँ करके ये कर रहे हैं, वहाँ उनके बात बनाते हैं ठाकुर के। हाँ तो विदेश विदेश वाली लड़की से कौन शादी करके आ रहा है, कौन ला रहा है? प्रमोद का लड़का नहीं कर रहा है, और भी कोई है क्या? तुम कह रहे एक और करके लाऊंगा क्या? तुम भी ढूंढ रहे हो, तुम भी अंग्रेज ढूंढ रहे हो? ये मेरे से क्या करना है? किससे करनी है, भारतीय से करनी है, अंग्रेज से करनी है शादी? अंग्रेज से होती है तो बड़ा कोई क्यों मालटाल वाला घर जमाई बनोगे? भाभी जी ने बढ़िया सा दाल भात और पालक की सब्जी पहाड़ी वाला खिला रहे मतलब, तो खाना वाना खाते हैं बढ़िया तरीके से उलाल के। तो भैया मस्त अपना लंच वंच हो गया है और उसके बाद बैठ के यहाँ गप्पे चल रही हैं, सबकी धूप धूप सेक रहे हैं और मजे बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कल का क्या होगा।
फिलहाल अभी हम जरा थोड़ा घर का जो सामान ले आते हैं और दुकान तक जा रहे हैं। नहीं यहाँ के लोगों को भी चाहिए। हाँ, ज़्यादा एक और दूध का पैकेट कर दीजिए। कितना होगा? तीन रखे ना हमने, चार कर दिए। तीन एक बढ़ा दीजिए ना। बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल आते रहेंगे। देखिए पहचानते भले नहीं है बट अपना फन तो फील कर ही रहे, अपनी जगह आए हैं लग रहा है। वो जानते हैं, पिताजी पापा जानते हैं, वो जानने वाले। अब हम आते रहेंगे तो हम भी जानते रहेंगे, दिखाएंगे कितना सुंदर गांव है हमारा। माता जियों के साथ बातें गप्पे सब पे चल रही है हमारी। फुल किचन गार्डन मेंटेन है माता जी का। यहीं से खाओ, यहीं से निकालो, यहीं से खाओ। बढ़िया मडवा अडवा भी लगाते हो आप? मडवा अडवा जुलाई में लगाओगे? अच्छा, सब बिरादरी हुई है? सब हम भी दम, मतलब 10 दिन वाले भी बिरादर हुए आप भी? हाँ। अच्छा तो चलो हो जाएगा नारी शक्ति। मेरा माता जी इतना बड़ा कट्टा ला सकती है तो बहु चार पैकेट दूध तो ले सकती है। सही बात जी। हम हुए ये इधर आ रखे गंगा गंगा नाम क्या है? नीलेश पंत। कैंटूचोल है क्या? कैंटूचोल प्रणाम। आप तो देख लग रहे हैं क्या सगल से? सगल से मेरे कैंटू को ही नहीं देखा क्या? ये बहू कभी शायद बीवी दिसंबर दिसंबर बीवी बीवी बहू कहाँ मेरी बीवी? ये मंगशीर में हुआ होगा ये दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में हुआ। अच्छा पिछले साल, साल मतलब 2022 2022 में, पिछला साल ही हो गया। अभी आ गया आप तो माता जी। बहुत शादियां हुई थी हमारे वहाँ। हाँ तभी आए थे गांव में पूजा वूजा करने आए थे। अच्छा अच्छा, आप रहोगे दो तीन दिन? अब जाना है नौकरी के लिए जाना है ना, तो ये हुआ नौला। ये तो बढ़िया नौला है, देखो भरा हुआ है। गप्पे मार दो, मैं भी भाई साहब करता हूँ की तरह। ठंडक बढ़ गई है, जैकेट डाल लिया है और अब डिनर करके ही जा रहे हैं। भाभी जी मान नहीं रही हैं, बहुत उन्होंने वो कर दीजिए तो हम उनका प्रेम देख के हम रुक रहे हैं। और ये बैठे हैं, कुछ आखिरी के पल बिता रहे हैं अपने पुश्तैनी घर पे। ठंडा हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है दिल्ली। और अन्ना क्या लग गई है परेड, साड़ी पहन के। अन्ना कुछ इतना साड़ी पहनने का शौक था आज तो, अब इसके बाद तो नहीं निकलेगा क्योंकि अनन्या कुछ बैकअप लाई रही थी और यहाँ डिनर करके ही जा रहे हैं। बट एनीवेज हेड्स ऑफ टू इंडियन लेडीज जो भाई इसमें पूरी जिंदगी काट लेती है। बस खाना खाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मंजिल, अपनी मंजिल जो है वापस से कहीं मियन की गेस्ट हाउस में। उसका खाना इतना बेकार था कि हम खाना भी नहीं जा रहे थे। विदाई का समय आ चुका है गांव से, देख लो अपने घर से, अपने कैमरे से रिलेटेड कोई चीज। ये जाते वक्त टीका लग रहा है। अपने प्रेमी गांव वालों से विदा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अनन्या आओ भाभी, तुम ही तो मेन जान हो, कितना भाग रहे हो। दोबारा आते हैं और बाय बाय कर दो सब लोग। अच्छा लगा होगा हमारा एक छोटा सा परिवार, हमारा गांव वाला परिवार। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी भाव। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।